Hello students, so today we will discuss chapter number 9, transport, but this is part 2, second part of this video, okay? Because this chapter is long, that is why I have made this video in two part, part 1 and part 2, okay? So for the complete understanding of the chapter, you need to see both the parts, part 1 and part 2. Yes. So when we talk about the railway network in Europe and North America are very well developed. Either it is of Europe or North America, इतना ज़्यादा डेवलप है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप है. वहाँ पर जो ट्रेन है वो बहुत फास्टर है हमारे इंडिया के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेन है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में. जापान, फ्रांस, जर्मनी हैव ट्रेन्स रनिंग ओवर 300 किलोमीटर्स पर आवर. हमारी जो शताब्दी है, हमारी जो राजधानी है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती है ना. पर जर्मनी, फ्रांस, जापान में जो ट्रेन है स्टूडेंट्स, उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर भी है. ट्रेन्स रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू चैनल टनल. ओके, ट्रेन जो इंग्लैंड से चलती है और कहाँ पहुँचती है, फ्रांस पहुँचती है, वो चैनल टनल से होके गुजरती है. अब चैनल टनल क्या होगा, क्या आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर है इंग्लैंड और यहाँ पर है फ्रांस और बीच में आता है इंग्लिश चैनल. क्या आता है बेटा, इंग्लिश चैनल, मतलब यहाँ पर पानी है, तो इस चैनल के थ्रू उन लोगों ने टनल बनाई है. ओके, चैनल टनल के थ्रू होता है. द यूरोस्टार कमिंग आउट ऑफ चैनल टनल, ठीक है, ये है चैनल टनल और इसमें से ये कौन सी गाड़ी आ रही है, इसका नाम है यूरोस्टार. ओके, फ्रांस से इंग्लैंड तक कनेक्टिविटी देती है. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटरवेज. ओके, द अर्ली पीपल मेड राफ्ट टू कैरी गुड्स. अर्ली पीपल ने क्या बनाया बेटा, राफ्ट बनाए थे गाय के लिए, गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पहुँचाने के लिए. फिर धीरे से इन राफ्ट को गाय से रिप्लेस कर दिया गया बोट से. फिर उसके बाद सेल बोट्स आई, ठीक है, जो पावर काय का यूज़ करती थी, विंड का टू मूव, विंड की पावर से मूव करती थी सेल बोट. फिर जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया तो ट्रांसपोर्ट में एक रेवोल्यूशन आ गया. 200 ईयर अगो शिप्स काय से ड्राइव करने लगी बेटा, स्टीम इंजन से. ओके, और सेल बोट्स रिप्लेस कर गई क्योंकि अब शिप्स आ गई. तो डू रिमेंबर, फर्स्ट दे हैव राफ्ट, राफ्ट रिप्लेस्ड बाय बोट, बोट रिप्लेस्ड बाय सेल बोट, सेल बोट रिप्लेस्ड बाय ships that was driven by steam engine. okay, ships become larger and faster. ships बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा, आप सोच भी नहीं सकते हो, एक होटल से भी ज़्यादा बड़े. today most ships are driven by diesel engine. आज बहुत सारे ships हैं जो स्टीम से नहीं चलते हैं, काय से चलते हैं बेटा, डीजल से चलते हैं. आप लोगों ने कभी शिप देखा है, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं जहाँ शिप्स में बहुत सारे रूम होते हैं, कैफेटेरिया होता है, कई बार तो प्लेन को उतारने की प्लेस भी होती है, हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं ना, तो भैया बहुत बड़े बड़े होते हैं शिप्स. ओके, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब वीडियो में देखो. यस स्टूडेंट्स, ये रही फिशिंग सेल बोट. ओके, ये कौन सी किससे चलती है बेटा, विंड से चलती है. विंड की जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उस डायरेक्शन में जाओगे तो इजी हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. मोस्ट बल्की गुड्स सच एज फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड बाय शिप. आज भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, उसका 80% इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसके थ्रू ही होता है, शिप्स के थ्रू होता है, जिसमें कि जितने भी बल्कि प्रोडक्ट है जैसे मिनरल ओर्स हो गए, पेट्रोलियम है, फूड ग्रेन्स है, मिनरल ओर्स के अंदर जैसे आयरन ओर, लोहा बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए जो लगेगा वो होगा आयरन ओर, बहुत सारे जितने भी ओर्स है जिससे किसी भी टाइप का मिनरल बनेगा, ठीक है, वो सारे के सारे काई से शिप से जाते हैं. पेट्रोलियम शिप से जा रहा है, फूड ग्रेन हमारे अनाज, वीट राइस, वो भी काई से जा रहे हैं, शिप से जाते हैं. तो शिप्स आर नॉट वेरी फास्ट, अ सिंगल शिप कैन कैरी मच कार्गो एज थाउजेंड्स ऑफ ट्रक और एयरक्राफ्ट. देखो शिप धीरे चलती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती है ना, पर बेटा बात यह है कि एक बार में आप बहुत सारा कार्गो, मतलब होता है बहुत सारा लोड आप कैरी कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है. आप 10 राउंड लगा लो ट्रक या एयरक्राफ्ट के, उससे भी ज़्यादा कार्गो आप किसके ऊपर रख सकते हो, शिप के ऊपर रख सकते हो. ऑल दो शिप की स्पीड कम होती है, पर सामान एक बार में बहुत सारा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुँच जाता है. टुडे मोस्ट
ships that carry goods are designed to carry only one type of goods, for example, food grain or petroleum. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक ट्रेन ऐसी आती है पैसेंजर ट्रेन, एक ट्रेन ऐसी होती है जिसमें गुड्स कैरी होता है, और आपने ऐसे राउंड राउंड वो देखे होंगे ना, ऐसे सिलेंडर की शेप में ऐसे राउंड राउंड वो होते हैं टैंक्स, जिसमें हमारी रेलवे में भी क्या जाता है, पेट्रोलियम, डीजल जाता है, पेट्रोलियम जाता है. वैसे ही शिप्स को भी स्पेसिफिक बनाया गया है कि एक शिप होगी जिसमें सिर्फ फूड ग्रेन्स जाएंगे, एक शिप ऐसी होगी जिसमें सिर्फ क्या जाएगा, पेट्रोलियम. क्या आप लोगों ने देखी है गुड्स ट्रेन जिसमें हम बैठते हैं, सॉरी नहीं, गुड्स ट्रेन जिसमें सामान जाता है, पैसेंजर ट्रेन जिसमें हम बैठते हैं, और पेट्रोलियम जिसमें जाता है, वो राइट कमेंट सेक्शन में लिखें. ऐसे गोल गोल डब्बे नहीं होते जिनमें यहाँ से सीढ़ी लगी होती है, यहाँ पर ऐसे एक ढक्कन होता है, अगर देखें तो कमेंट सेक्शन में लिखो. मैम आई हैव सीन. ट्रांसपोर्ट बाय शिप इज मच चीपर देन रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट से तो सस्ता है ही शिप्स में ट्रेवल करना, पर ये रोड से भी चीप है. ठीक है, ये से स्टूडेंट्स देखो, ये ऑयल टैंकर है. ये क्या है, ऑयल टैंकर है जिसमें बहुत क्वांटिटी में ऑयल भर के वन प्लेस से अनदर प्लेस आप सेंड कर सकते हो. ठीक है, अच्छा मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई हूँ, उसके पहले बता देती हूँ कि यहाँ पर है इस्थमस ऑफ पनामा और यहाँ पर है इजिप्ट. तो बेटा ये दोनों ही जगहों पर हमने आर्टिफिशियल कैनाल्स बनाई है, यहाँ पर पहले कैनाल नहीं थी. अच्छा कैनाल क्यों बनाई है, देखो अगर आपको पैसिफिक ओशन से कहाँ जाना है, यूरोप जाना है, तो अगर बीच में कोई रास्ता नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है आप ऐसे ही यूरोप पहुँचोगे, ऐसे ही अफ्रीका पहुँचोगे. ठीक है, तो ये कितना लंबा रास्ता हो जाता है. सेम वे में अगर आपको यूरोप से कहाँ पहुँचना है, इंडिया पहुँचना है, यहाँ पर अगर कोई रास्ता नहीं होता तो आप यूरोप से निकलते, पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते और फिर कहाँ पहुँचते, इंडिया पहुँचते, तो ये भी लंबा रास्ता हो जाता है. तो ये लंबे रास्तों को अवॉइड करने के लिए हमने दो कैनाल्स बनाई. यहाँ पर है एक स्वेज कैनाल इजिप्ट में और दूसरी है इस्थमस ऑफ पनामा में बनाई गई पनामा कैनाल. ओके, ये दो कैनाल से जो हमारा सी रूट है वो बहुत कम हो गया है. जैसे इंडिया से अब देखो यूरोप पहुँचना इतना सा नहीं, तो पहले ऐसे ऐसे पहुँचना पड़ता था. ठीक है, कौन सा शॉर्ट है ये वाला. ऐसे पनामा के अगर आपको यूरोप से पैसिफिक तक कहीं जाना है तो ये पहुँच गया पैसिफिक में, पहले आपको पूरा इतना लंबा क्रॉस करके जाना पड़ता था. ठीक है, तो स्विस कैनाल और पनामा कैनाल के बनने से हमारा जो सी रूट है वो बहुत शॉर्ट हो गया है. यस स्टूडेंट्स, टू मेक सी ट्रैवल ईजियर एंड फास्टर, सी ट्रैवल को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या की है, कट डाउन द ट्रैवल डिस्टेंस बाय ऑलमोस्ट हाफ. बहुत सारी कैनाल्स डक कर ली हैं, डक कर ली है मतलब बहुत सारी कैनाल खुदाई कर ली है, बना ली गई है. इससे क्या हुआ है, जो डिस्टेंस था वो लगभग आधा हो गया. मैंने जैसे भी आपको दिखाया पूरा अफ्रीका क्रॉस करके इंडिया पहुँचते, तो अब सीधे इंडिया से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, थ्रू स्वेज कैनाल यूरोप पहुँच जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बिल्कुल आधा हो गया है. ठीक है, तो जो स्वेज कैनाल इंपॉर्टेंट है तो डू रिमेंबर इट बेटा. स्वेज कैनाल किस किस को लिंक करती है, मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को. अगर क्वेश्चन आता है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को लिंक करने वाली कैनाल कौन सी है, तो क्या बोलोगे, स्वेज कैनाल. ठीक है, ships from India traveling to Europe now go through this canal. अब अगर इंडिया से कोई ship निकलेगी और अगर उसको यूरोप में वाले पार्ट में जाना है तो वो इजिप्ट होती हुई कहाँ पहुँच जाएगी, रेड सी मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएगी, यूरोप. अब उनको अफ्रीका वाला लंबा रास्ता नहीं लेना पड़ेगा, बात समझ में आ गई, ये वाला रास्ता नहीं लेना पड़ेगा. अब यहाँ से वो सीधे ऐसे पहुँच जाएंगे. पनामा कैनाल, पनामा कैनाल पैसिफिक ओशन को किससे जोड़ती है, अटलांटिक ओशन को. यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर अफ्रीका है. तो ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है पनामा कैनाल जो इस्थमस ऑफ पनामा पे बनाया गया है. ships going from Europe to Australia, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली ship को बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता था. ठीक है, now go through this canal, अब वो इस कैनाल से जा सकती हैं. either they had to go around the South America. ठीक है, पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके अब इनको यूरोप नहीं जाना है. इस्थमस ऑफ पनामा को क्रॉस किया, कहाँ पहुँच गए, पैसिफिक में, और पैसिफिक से ऑस्ट्रेलिया में. यस स्टूडेंट्स, तो हमारा जो इंडिया है उसका मैप आपको पता होगा, ऐसा इंडिया का है. यहाँ पर हमारे पास क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन. ये रहा गुजरात, ये रहा वेस्ट बंगाल, और ये ऊपर वाले पार्ट, इससे अभी हमको कुछ लेने देना नहीं है. तो ये वाली बहुत बड़ी कोस्ट लाइन हमारे पास है और इस कोस्ट लाइन पर बहुत सारे पोर्ट हैं. यहाँ मुंबई है,
ठीक है, चेन्नई है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, कोचीन है, मुरमगांव है, क्या क्या है, मुंबई, मुरमगांव, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ऐसे बहुत सारे पोर्ट हमारे दोनों की दोनों कोस्ट लाइन्स पर हैं, जो हमको काय में हेल्प करते हैं, हमारे गुड्स को लोड और अनलोड करने में, गुड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह सेंड करने में। मेजर पोर्शन ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड इम्पोर्टेड इनटू इंडिया ट्रांसपोर्टेड बाय शिप। अगर कोई गुड इंडिया के अंदर आ रहा हो या कोई गुड इंडिया से बाहर जा रहा हो, आज भी इसका जो मेजर हिस्सा है वो काय से ही जाता है बेटा, शिप से ही जाता है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, ये तो हुई काय की बात, हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की। एक्सपोर्ट बोले तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप आपकी कंट्री के गुड को किसी अदर कंट्री को सेल कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट क्या है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, इम्पोर्ट का मतलब होता है जब आप अदर कंट्री से कोई गुड क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो बाय करना फॉरेन कंट्री से होता है इम्पोर्ट, सेल करना होता है एक्सपोर्ट। हमारे इंडिया के भी बहुत सारे रिवर्स हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र एंड गंगा आर यूज फॉर वाटरवेज। ब्रह्मपुत्र का भी बहुत बड़ा पैसेज है, गंगा का भी बहुत बड़ा पैसेज है, तो इनका यूज भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे पहुंचने के लिए होता है, इंटरनल ट्रेड के लिए होता है। एक्सटर्नल ट्रेड मींस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इंटरनल मींस आपकी कंट्री में बाइंग एंड सेलिंग, उसमें सी ब्रह्मपुत्र और गंगा का भी अपना रोल है। यस स्टूडेंट्स, तो आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं? सी, मैं भी आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेट इन एरोप्लेन, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट देन डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन। और कुछ बच्चे तो हो सकता है बैठे भी हों, वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिखे। यस, तो अगर हम बात करें कि सबसे फास्ट मीन्स क्या है ट्रांसपोर्ट का, तो एरोप्लेन। सबसे महंगा मीन्स क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या है, तो एरोप्लेन। सबसे चीप है शिप्स, और सबसे स्लो भी है शिप, स्लो एंड चीप, चीप एंड स्लो। शिप्स चीप भी हैं और स्लो भी हैं, वहीं पर एयरवेज फास्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है, महंगा है, ठीक है ना। यस, एरोप्लेन कैन फ्लाई एनी काइंड ऑफ लैंड और वाटर। माउंटेन के ऊपर से भी एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है, प्लेटो के ऊपर से भी एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है, प्लेन के ऊपर से तो कर ही सकता है, और अगर कहीं बहुत बड़ा ओशन हो तो उसके ऊपर से भी फ्लाई कर सकता है, ठीक है। मॉडर्न एरोप्लेन्स कैन कैरी अ फ्यू हंड्रेड पैसेंजर अबाउट, ओके, हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर। आज जितने भी मॉडर्न एरोप्लेन बन रहे हैं, नए वाले जो एरोप्लेन है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एक बार में मूव कर सकते हैं, और इसकी स्पीड होती है 800 किलोमीटर पर आवर। हमारी शताब्दी चलती है 100 किलोमीटर पर आवर। फ्रांस जापान की जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं 300 किलोमीटर पर आवर, पर एरोप्लेन चलता है 800 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। गुड्स स्पेशली पेरिशेबल आइटम, बहुत सारे आइटम्स से पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है बेटा जो एक दो दिन में ख़राब हो जाए, ठीक है। जैसे हम दूध की बात करें तो क्या हम दूध को दो चार पाँच दिन रख सकते हैं? नहीं, वो पेरिशेबल है, ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनको अगर आपको आउटसाइड कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको एरोप्लेन से ही करना पड़ेगा। अगर आपने शिप्स में रख दिए तो वेजिटेबल और फ्रूट नहीं पहुँचेंगे, रॉटन फूड, रॉटन वेजिटेबल पहुँचेगा, ख़राब हुई सब्जी पहुँचेगी, ठीक है। जो फर्स्ट एरोप्लेन था वो किसने बनाया था बेटा? राइट ब्रदर्स ने। किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने, और 100 ईयर अगो बनाया था। फर्स्ट एरोप्लेन बनाया था राइट ब्रदर ने, और लगभग 100 साल पहले बनाया था। इट वॉज कॉल्ड फ्लायर वन, इसको क्या नाम दिया था? फ्लायर वन। इट्स फर्स्ट फ्लाइट लेटेस्ट अबाउट 12 सेकेंड तक उड़ा, 40 मीटर से भी कम डिस्टेंस को वो क्रॉस कर पाया, ठीक है। तो ध्यान रखें, पहला एरोप्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। कब बनाया? 1903 में। टुडे ऑल इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड बाय एयर। भले हमारा मुंबई हो, विशाखापट्टनम हो, दिल्ली हो, लंदन हो, वॉशिंगटन डीसी हो, जापान का कोई भी सिटी हो, सब के सब कनेक्टेड हैं एयर लिंक से, ओके, बाय एयर ट्रांसपोर्ट। People fly every day to destination within outside their country, okay? आसपास भी अगर हमको जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से कोलकाता जाना है, तो भी हम किसको ले सकते हैं?
फ्लाइट को ले सकते हैं, एरोप्लेन ले सकते हैं, और अगर आपको मुंबई से लंदन जाना है, जापान जाना है या और किसी कंट्री में जाना है तो भी आप फ्लाइट ले सकते हैं। द एयर नेटवर्क विद इन इंडिया लिंक्स मोर देन 100 सिटी, हमारे इंडिया में मोर देन 100 सिटी हैं ऐसी हैं जो एयरवेज से लिंक हैं। एयर फेयर्स हैव कम डाउन सब्सटेंशली सो दैट मोर पीपल आर फ्लाइंग नाउ देन एवर बिफोर, आजकल जो एयर फेयर से मतलब जो हवाई किराया है, एयरोप्लेन का जो क्या है टिकट है वो थोड़ा सा सस्ता हो गया है, इसीलिए ज़्यादा लोग इसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं। एयर इंडिया इज़ द नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया, इफ समबडी आस्क यू हमारे इंडिया का नेशनल कैरियर कौन सा है, तो कौन सा है, नेशनल एयरलाइंस एयर इंडिया। इट ऑपरेट्स ऑन लोकल एंड इंटरनेशनल रूट, ये लोकल भी ऑपरेट होती है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, प्लस इंटरनेशनल रूट्स भी हैं, ठीक है। ये इंडिया को वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट सिटी से कनेक्ट करती है। इट ऑल्सो कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विथ ईच अदर, इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट्स को ये कनेक्ट कर देती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर, इंदौर, भोपाल, इन सबको भी कनेक्टिविटी दे रही है, प्लस हमारी इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ को वर्ल्ड से भी कनेक्ट कर रही है। डिड यू नो सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो एयरबस 380 है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। तो अगर कोई पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे एयरबस 380, ध्यान रखना। कितने पैसेंजर को कैरी कर सकता है, तो ये 800 से भी ज़्यादा पैसेंजर को कैरी कर सकता है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट थी वो कब हुई थी बेटा, 25 अक्टूबर 2007 में। तीन क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस 380, पहली जो फ्लाइट थी वो कब ली उसने, 25 अक्टूबर 2007 को। ये कितने लोगों को कैरी करता है, 800 लोगों को कैरी करता है। और पहली फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक थी, सिंगापुर से सिडनी, सिंगापुर टू सिडनी। इसकी जो लेंथ है वो 73 मीटर्स है और विंग्स स्पैन 80 मीटर्स का है। हाइट 25 मीटर्स की है, ठीक है। हाइट 25 मीटर की तो समझो 8 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर तो इसकी हाइट है, ठीक है। लेंथ है 73 और विंग स्पैन है 80 मीटर्स का। तो इसमें जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये लर्न करें, क्योंकि मैम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेंगी। यस स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका एयरबस 380, ओके, A380। यस स्टूडेंट्स, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इस ट्रैफिक की इंक्रीज़ होने के साथ, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स। बहुत सारी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ठीक है। रोड्स में कंजेशन होता है, भीड़ भाड़ वाली रोड रहती हैं, बहुत सारे व्हीकल एक टाइम में पास होते हैं, तो ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम हो जाती है। पोल्यूशन तो हो ही रहा है, बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, हर व्यक्ति जल्दी जल्दी में जा रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, रोड कंजेस्टेड है। पीपल ऑल्सो वेस्ट मोर टाइम ऑन ट्रैवलिंग, लोग भी अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करना पड़ता है ट्रैवलिंग पे। वन वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस कंजेशन इज़ टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर देखो बेटा, हमको भी पता है कि जब हम अकेले कार लेके जा रहे हैं, अकेले बाइक लेके जा रहे हैं, तो हम पेट्रोल इतना ज़्यादा कॉस्ट हो गया है कि हमको महंगा पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमारी कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा, कि बड़ी बड़ी बसेस चल रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, कि आप उसमें 10-12 लोग इकट्ठे बैठ के चले जाओगे, तो आपको रेंट भी कम लगेगा, मतलब टिकट भी सस्ती होगी, चीप होगी, प्लस कंजेशन भी नहीं होगा, छोटी छोटी गाड़ियाँ कम देखने को मिलेंगी रोड पे। तो गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो फास्ट और एफिशिएंट बना ले। फ्यूअर पीपल विल यूज़ देयर ओन व्हीकल, जिससे क्या होगा, बहुत कम लोग अपने व्हीकल यूज़ करेंगे, बाकी सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करेंगे। अब देखो ये रोड, ये ट्रैफिक जैम, दिल्ली का ट्रैफिक जैम है, अगर इसमें फंस जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं एम्बुलेंस फंस जाए, तो कितनी दिक्कत आ जाएगी बताओ। आपको आपके एग्ज़ाम में पहुंचना हो टाइम से, आपको ऑफिस पहुंचना हो टाइम से, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाना। अच्छा, एक तरीका और है इसको रोकने का, आप अंडरग्राउंड मेट्रो चला दो ना, ज़मीन के अंदर मेट्रो, ज़मीन के अंदर मेट्रो चलेगी तो रोड के ऊपर हमको बाहर कंजेशन देखने को ही नहीं मिलेगा। पर ये एक्सपेंसिव होता है, इस नेटवर्क को बनाना थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। यस, इफ समबडी आस्क यू नेम द स्टेट विच हैव अंडरग्राउंड मेट्रो फर्स्ट इन इंडिया, तो विच स्टेट, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में
सबसे पहली कोलकाता कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो नेटवर्क बना, फिर दिल्ली में भी मेट्रो नेटवर्क बन गया, और अभी तो बेंगलोर, चेन्नई, इवन लखनऊ में भी बन रहा है। तो ठीक है, आजकल आपको बहुत सारी जगह मेट्रो मिलेगी। और मेट्रो के लिए क्यों बना रहे हैं हम, जिससे कि रोड पे कंजेशन कम हो, ट्रैफिक फ्री, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको मिल पाए। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन, और आज हर व्यक्ति तैयार कोशिश कर रहा है कि वो पॉल्यूशन को कम करे, ठीक है, बाय यूजिंग मोर एफिशिएंट इंजन, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फ्यूल हो। CNG एक बेटर ऑप्शन है। CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये 0% पॉल्यूशन देती है एनवायरनमेंट को, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये वाले जो ऑटो देखे होंगे ना आपने, ये CNG से चलने वाले ऑटो हैं, तो ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली फॉर बसेस एंड थ्री व्हीलर्स। तो CNG किस किस के लिए आ गई है दिल्ली में, थ्री व्हीलर्स के लिए भी आ गई है और बसेस के लिए भी आ गई। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन।